तमाम जो हेमंत सोरेन के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है और जो इस तरह से भाग रहे हैं ईडी की कार्रवाई से, इसके लिए हम कर रहे हैं। जिस तरीके से जेएसएससी सीजीएल के परीक्षा कल हुए और उसको लेकर जो है कई बातें जो है अब बाजारों में गर्म है, जो पेपर लीक हुआ, देर रात एग्जामिनेशन कैंसिल भी हुई, उसको लेकर अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। एक तो एग्जामिनेशन समय से होता नहीं, होता भी है तो कैंसिल या पेपर लीक। वैसे में अब अभ्यर्थी क्या करें? देखिए, कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी को ही सफ़र करने का आज नौबत आ गया है। 8 वर्षों के पश्चात, मतलब 8 वर्षों के पश्चात एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। कंडक्ट होने के बाद होता क्या है, कुल 954 नियुक्तियां निकलती है सीट, उसका फल स्वरूप क्या होता है कि झारखंड सरकार और झारखंड जेएसएससी कहीं ना कहीं सीटों का बंदर बांट करते हुए पैसे की उगाही और भ्रष्टाचार में संलिप्तता उनकी नज़र आ रही है। तो ऐसे में क्या आप लोग आगे क्या करेंगे आंदोलन? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे 2400 जिला में आज जेएसएससी और झारखंड की वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन का पुतला दहन का कार्यक्रम कर रही है और आने वाले कुछ दिनों के बाद हम लोग एक मेमोरेंडम झारखंड के राज्यपाल जी को सौंपने जा रहे हैं, जिसमें सीबीआई जांच की मांग, साथ ही जो शिक्षण व्यवस्था में भारी अनियमितता, साथ ही नियुक्तियों में जो भ्रष्टाचार नज़र आ रही है उसको लेकर हम लोग मेमोरेंडम सौंपेंगे और परीक्षा को पूरी तरह से निरस्त कर फिर से आवेदन, फिर से तिथि निकालने के लिए हम लोग उसमें कहेंगे। दुर्गेश कुमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, प्रदेश मीडिया संयोजक। क्योंकि देखिए, हम लोग का यहाँ क्या हो रहा है ना कि अभी जैसे कि जेएसएससी और सीजीएल का जो भी पेपर लीक हुआ है, ऐसा बहुत लंबे टाइम में एक तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है और जब एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है तो इस तरीके से जो पेपर रद्द कर दिए जाते हैं, एग्ज़ाम रद्द कर दिए जाते हैं, जिससे काफ़ी जो स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर होता है वो काफ़ी दाव पर लग जाता है। झारखंड के छात्रों का दुर्भाग्य है कि झारखंड में ऐसी सरकार है, हेमंत है तो पेपर लीक करने वालों को हिम्मत है। आज देखने को मिल कानून बना दिया था कि जो भी अब ऐसा होगा तो देखिए की जाएगी, हाँ कार्रवाई की जाए। कुछ दिन पूर्व परीक्षा से पूर्व सरकार ने नकल विधेयक लाया, वो क्या नीति थी कि विफल हो गई। इस मामले की हम लोग मांग करते हैं कि पूरी तरह निष्पक्ष सीबीआई जांच हो और पेपर 3 ही क्यों कैंसिल हो, पूरा पेपर कैंसिल किया जाए। क्या भरोसा सब में गड़बड़ी हो, अभी तो एक सामने आया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची महानगर के द्वारा कल हुई देश झारखंड राज्य में जो एग्ज़ाम हुई जेएससी सीजीएल का, उसका पेपर लीक का मामला सामने आया। इसकी सबसे पहले निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग करती है विद्यार्थी परिषद, प्लस राज्य सरकार की जो टीम गठित की गई थी वो पूरी तरह से विफल नज़र आई है। आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जैमर लगाएं, कैमरा लगाएं, ना आपका कैमरा काम आया ना जैमर काम आया, तो किस तरह का तैयारी था राज्य सरकार का, इसका जवाब दे राज्य सरकार और फिर से परीक्षा तीनों का तीनों सेट में लिए जाए। एग्जाम अगर सही से नहीं हुआ तो यही हम सब छात्र हैं, यही सब हमें युवा है कि गारंटी के साथ देते हैं आने वाले इस 2000 चुनाव में आपको भुगतना पड़ेगा। बस हम लोग का मांग है कि जो एग्जाम में जो धांधली हुई है उस धांधली को आप खत्म कीजिए। धांधली को खत्म करते हुए जो एग्जाम को रद्द किए हैं आप, थर्ड पेपर को रद्द किए, आप तीनों पेपर को रद्द करते हुए सही ढंग से एग्जाम कंडक्ट कराइए। आप 3 नहीं 4 तारीख को जो एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम को भी रद्द कराइए और ब्लैक लिस्टेड कीजिए इस एजेंसी को, और एजेंसी को खत्म कीजिए और क्या बोलते हैं अच्छे एजेंसी को दीजिए ताकि अच्छे पूर्वक एग्जाम हो सके। एग्जामिनेशन में हमारे एग्जाम देने से पहले मेरा एग्जाम 28 तारीख को सरायकेला खरसावा में था। जैसे सूचना मिला कि व्हाट्सएप पे ये सब क्वेश्चन रात के 2 बजे आसपास सारे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे घूम रहे थे, अब वहाँ से सारे क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 तीनों के क्वेश्चन लीक हो चुके थे पूरा, पर सरकार के द्वारा जेएसएससी के द्वारा बस सिर्फ पेपर 3 को रद्द किया गया, और उसमें वो भी रद्द किया गया तो क्यों, उसमें लिखा गया अपरिहार्य कारण। अरे यार, तुम कारण तो बताओगे क्या कारण से रद्द किया गया, बस ये लिखा गया पेपर 1 पेपर 2 को रद्द नहीं किया गया।
और ऊपर से जो 4 तारीख का एग्जाम होने वाला है उसको भी रद्द करना चाहिए, क्योंकि जब 28 का क्वेश्चन लीक हो सकता है तो 4 का क्यों नहीं रद्द होगा। दिक्कत ये है कि पेपर हम लोग दे रहे हैं 3 बजे से 5 बजे तक हम लोग पेपर दिए, और पेपर देने के आने के बाद लोग ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर आउट है, सारा सबका आंसर और सब कुछ एग्जाम देकर बाहर आए तब। हाँ, हम लोग जैसे निकले ना एग्जाम दे करके, तो हम लोग को पता चला पेपर आउट है, पेपर आउट हो गया है, सारा का आंसर सब की आंसर शीट और साथ में क्वेश्चन, और ये फोटो स्नैप लिया हुआ फोटो है, मतलब रात में ये फोटो खींचा हुआ है और सर्कुलेट हो रहा था। बहुत लोग तो ऐसे हैं, मैं वहाँ पे जब था तो बहुत लोग आपस में बात करते कि 2 बजे पेपर मिल गया था वो लोग को, और 2 बजे से 2:45 लास्ट गेट क्लोजिंग टाइम था, 2:45 तक वो लोग 80-90 क्वेश्चन पढ़ करके, और जितना पढ़ा है उस टाइम पे जितना रट पाया सब लोग रट करके पूरा आंसर अपना सही किया है। सरकार ने जो कानून बनाया था कि जो भी अभी कानून धरा का धरा रह गया, ये जो बात जहाँ से आ रही है ये हेमंत सोरेन का इसमें कोई रोल नहीं है, सारा रोल अपना जो एजेंसी जो काम कर रही है, सारा गड़बड़ी, पता नहीं ये कोई प्राइवेट एजेंसी जो बाहर में ब्लैक लिस्टेड है, यहाँ झारखंड में ब्लैक लिस्टेड को ही यहाँ पे उसको ऑथोराइज किया गया एग्जाम लेने के लिए। अब ऐसे में क्या करेंगे आप लोग, फिर 4 तारीख को भी एग्जाम, वही मेन बात है। अब ये कह रहे हैं कि पेपर 3 कैंसिल हो, और जबकि आप उस स्नैप में देखिएगा कि लैंग्वेज पेपर के साथ साथ जो रीजनल लैंग्वेज था वो भी पेपर आउट है, हिंदी का पेपर मार्केट में घूम रहा है, हिंदी का जो पेपर है उसका पूरा 1 to 99 सबका सॉल्यूशन आंसर के साथ तो कैंसिल हो गया है एक एग्जाम, और क्या आप लोग मांग, हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये पूरा एग्जाम को कैंसिल करें, एजेंसी को चेंज करो, और CBI का जो मांग उठा रहे बहुत सारे YouTube में चैनल्स हैं एग्जाम फाइटर्स जो वो लोग हैं, वो लोग सब कह रहे हैं कि हमारे पास इतना एविडेंस है कि जिसे साबित हो जाएगा कि ये पूरा एग्जाम पेपर लीक्ड है, और अब तो एजेंसी ये JSSC भी तो मान चुकी ना कि एग्ज़ाम इसमें धांधली हुई है, तो अपरिहार्य कारणों से पेपर 3 को रद्द किया जाता है, तो पेपर 3 ही क्यों, पेपर 2 और पेपर 1 को भी रद्द करिए, क्वालिफाइंग को भी क्यों छोड़िएगा। तो देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तरफ से जो है एक बयान दिया जा रहा है, दुर्गेश हैं, मीडिया संयोजक हैं, इनका कहना है कि जो आने वाले दिनों में राज्यपाल को एक मेमोरेंडम दी जाएगी और CBI से जांच कराने की मांग की जाएगी, और निश्चित रूप से जो धांधली की बातें सामने थी वह कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, एजेंसी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है उसको ब्लैकलिस्टेड करने की ज़रूरत है, और जिस कारण से ये धांधली की बार बार बातें सामने आती है, एक तो इतने दिनों बाद एग्जामिनेशन होते हैं, जो अभ्यर्थी तैयारी करते हैं एग्जामिनेशन होने के बाद अगर अब एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो समझ सकते हैं आपकी अभ्यर्थियों पर क्या गुजरेगा, कितने सारे पैसे खर्चे होते हैं पढ़ाई करने में, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में, और उसके बावजूद नतीजे यह आ रहे हैं, उसको लेकर अब छात्रों में अब आक्रोश है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विभाग का JSSC विभाग का पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में लाइव लगातार के रांची में कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।